किसानों की दलाली नहीं करने देंगे किसी को, जान वो देंगे अपनी, मार देंगे सर, मार देंगे, मर जाएंगे सर, मार देंगे पुलिस ने पकड़ लिया, वहाँ भी आए थे, वहाँ भी आए थे, वहाँ भी आए थे भाई, चार दिन जिम्मेदार किसान ने पैसे दिए ना, वहाँ खड़े होगा, वहाँ पर्चे दर्ज करवाने, हमने बोल दिया पर्चे वापिस होंगे, हमने बोल दिया पर्चे वापिस होंगे, एक एक किसान के पर्चे वापिस होंगे, रामने को सारे पैसे ले रखे हैं, चुड़ू निका छोड़ के सबके पर्चे वापिस होंगे, चुड़ू निका नहीं होगा, पैर पकड़ना आया के सरकार के पैर पकड़ने आया, किसने बुलाया, जाके मदन में लड़े, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अतर सिंह संधू है, भारतीय किसान यूनियन ए का मतलब अतर सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ जी, अच्छा, मेरी ये काम मानना है, नहीं या भाई, ये आपका गुरु नाम चुड़ू, नहीं, ये गुरु नाम चुड़ू नीचे जो आपका ये वाद विवाद होया, क्या था ये मसला? अब आप कहाँ हो, दिल्ली में? मैं दिल्ली के हरियाणा भवन में हूँ। हरियाणा में, अच्छा, गुरु नाम चुड़ू ने यहाँ दलाल बनकर सरकार से चुपचाप बात कर रहा है, जो कि हमने विरोध किया उस बात का, इन्हें चुपचाप मंत्री की कोठी का धर्मवीर जी की, कहने लगा मेरी बात मानो, मेरे को साथ लो, केंद्रीय मंत्री से मुझे अकेले को मिलाओ, ये किसान को बेच रहा है, हरियाणा के किसान को बेच रहा है, ये बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं। चुड़नी आड़ती है व्यापारी वर्ग और उसका जो आड़ती के लोग हैं, जो शेयर वाले हैं, उनको उनके पैसे से ये आंदोलन लड़ने की तैयारी कर रहा है। नहीं, अब क्या लेने आया जी सरकार के पास? अच्छा जी, सरकार से जो पैसे लेने हैं, दलाली लेने अपनी, अच्छा, चुड़नी इसको पैसे चाहिए मंत्री, किसान आंदोलन में वहाँ आंदोलन आते धरने हैं, लेकिन यहाँ सरकार के पास हरियाणा भवन दिल्ली में क्या लेने आया? ऐसा है प्रधान जी, इसने जो 17 संगठन थे, रात को किसी संगठन से बात ही नहीं करी, चुपचाप अपने 5 आदमी लेकर के दिल्ली में बैठ गया, धर्मवीर जी कोठी में सेटिंग करने की कोशिश की, धर्मवीर जी ने जो सांसद हैं भिवानी के, उन्होंने वहां से धक्के देकर भगा दिया, उसके बाद हरियाणा भवन में आ गया, ये पूरी तरह सेटिंग करना चाहता है, किसानों को बेचना चाहता है, अगर किसान चुड़ने के आंदोलन के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, और जो 8 मांगे रखी थी पूरी तरह भारत सरकार ने उनको मान लिया है, किसान हित में पूरी 8 मांगे हैं, किसान का इन अध्यादेशों में बहुत फायदा होने वाला है निश्चित रूप से, किसान हम 20 साल से टीवी डिबेट करते थे, कहते थे किसान अपनी जब एक साबुन वाला अपने फसल के रेट रख सकता है, रेट रख सकता है, एक किताब वाला अपने रेट सकता है, किसान क्यों नहीं? ये तो राजनीति का, 2 बार 3 बार तो चुनाव लड़ लिया, अब यो क्या? ऐसा जी, इन्हें 3 बार चुनाव लड़ लिया, एक बार तो पंच से वोट आई, एक बार आजाद पार्टी से लड़ा 15 से वोट आई, यू आड़तियों के पीछे लेकर चुनाव लड़ा है, हम चुनाव जिंदगी में लड़ूंगा, क्योंकि मैं किसान का एहतियाती हूँ, किसान की लड़ाई लड़ूंगा, इसके लिए चाहे हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, छुड़ने की तरह हम किसानों को बिगड़े नहीं देंगे। नहीं, गन्ना मिल पे भी था, इन्हें गन्ना मिल में पीछे, ऐसा जी, इकबालपुर शुगर मिल में हरियाणा के किसानों को बहका के लेकर था चुड़नी, वहाँ 34.5 लाख रुपए बकाया था, वहाँ आंदोलन कर 34.5 करोड़ रुपए बकाया था, वहाँ से 6 लाख रुपए चुड़ने शुगर मिल वालों से लेकर अपने घर बैठ गया। और सजादपुर में भी इसने पैसे लिए, उस पैसे की हम आगे आपको बता देंगे कितने पैसे मैंने डील करे, 5 लाख का लिया था, ठीक है जी। अब दोबारा शुरू तो कर, आज यो जो चुड़नी के साथ झगड़ा होया अतरलाल जी के साथ, संधू के साथ, यो क्या मसला था, यो हरियाणा भवन में दिल्ली में ये क्या लेना आया था? ऐसा है प्रधान जी, ये सुबह से चुड़नी बगैर बुलावे के मेरे से बात कर लो, ये यहाँ पर पीपली में तो लखनऊ द्वारा उनको पता नहीं था, और आज ये उनका सौदाबाजी करने आ रहा था, लेकिन इससे किसी सांसद ने मंत्री ने बात नहीं की, और जो सिंधु साहब से वो कह रहे थे ये ठीक कह रहे थे, इसने शुगर मिल में 5 लाख रुपए खाए, आड़तियों से चंदा इकट्ठा करता खाता सारे पैसे, अब इसका कोई मामला नहीं था, आज ये किसानों को बेचना चाह रहा था, इनका सौदाबाजी करना चाह रहा था, सिंधु साहब को पता चल गया, अगर दिल्ली में घुस गया, ये धर्मवीर जी को टीवी देखा, कृषि भवन में लुकते छुपते पेटो के आटो में देखा धर्मवीर जी, सिंधु साहब ने फिर हरियाणा भवन में देखा, ये वो धनखड़ साहब से कह रहा था 2 मिनट दे दो, मेरे से 2 मिनट मिलो, तुम आंदोलन कर रहा है तो किस लिए सरकार के मंत्री सांसद से टेम मांग रहा है, किस लिए दिल्ली में लुक छुप का मिल रहा है, तो ये आज
किसानों को बेचना चाह रहा था, सभी यूनियनों संगठनों को पता चल गया, उन सभी ने इसको गाली दी या भद्दा कहा। अच्छा, ये तो सारे किसानों ने करे इसका बायकॉट यहाँ हरियाणा भवन में, सभी संगठनों ने, जो किसान यूनियन थी, किसान संघ, सभी ने इसका बायकॉट किया, इसका अपमानित किया है इसको, और ये अपनी इसकी बड़ी बेइज्जती हुई आज यहाँ पर, क्योंकि पीछे भी इसका रिकॉर्ड रहा है, रिश्वत ली है, वो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव लड़ेगा और राजनीति किसानों का हित हो ही नहीं सकता। चलो जी प्रधान जी।